थले रोशनी भी आ जाती है ना उधर तो आंदी नहीं उधर तो शाम नू आंदी है कमरा भी पिछे है ना उ क्या बात है शुक्र है घ्यो ही खत्म होया पिया उधर चलो दूध गर्म कर दो थोड़ा जा टेबल भरता तुसी कहा भी अचार दा डब्बा कर दो अचार पाउणा गा अचार राज डिलीवर करदे सी भी जाना मैं ऑर्डर आया एक मम्मी आपां नूं एक ऑर्डर आया होया गा अचार दे ऑर्डर मतलब पहला ऑर्डर आ गया जी अपना अपना पटियाले डिलीवर करदे होई जाना गा अचार दा डब्बा फिर जीरकपुर के डिलीवर करना फिर कांचन दा डिलीवर करना ते घिओ बन गया मम्मी दुध इदा रखा डोलू टेढ़ा जा रखा पा दुध घ्यो बन गया गर्म गर्म तो नहीं है फिर पै जूगा ना डब्बे सो जी अपना पहला समान करा लिया क्योंकि बाद चो मम्मी भुल जाने तुसी फिर याद भी नहीं कराया पिछली बारी अच्छा कितने आया क्यों क्या बात है इना औखा हो जाता है पता चक्कर पता क्या घ्यो सार तो वधिया गा कोई नी मम्मी उधर रहंदा ही आ आए दसो मेनू रोटी कादी है रोटी है तेरी गोभी चलो जी नहीं नहीं मैं गोभी खा लूंगा फिर ठीक चलो जी आप गोभी खाइए पैया दही दही इन की रहेगी तो जा मम्मी तो जागा अच्छा कोली वाली है चलो जी अपना कर दे अपना ब्रेकफास्ट की चटनी मम्मी इना इना क्यों किन्ने दुध तो निकले होना घट निकलता हूं मम्मी बस बस यार मम्मी तुसी जग तो मैनू ये दे रहे हो उपर उपर सील हो जूगा ना ये नहीं हो सकता आ देखो ना इधर छेद है नहीं नहीं पक्का ठीक है नहीं बस चलो फ्रिज च रख देंगे जल्दी रख देंगे फिर हम तो सारा सामान ऐसे फ्रिज च रख दे भी खराब ना हो ना ठीक हम तो वो भी जमन लग जाना इन्हें ठंड आ गई सब एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग सो जी आज है हमारी वापसी का दिन मैं जा रहा हूँ वापस जो काम से आया था वो ऑलमोस्ट हो ही गया है मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे तो परसों आया था फ्राइडे को आज संडे है तो वापस जा रहा हूँ वैसे तो सीधा जीरकपुर जाता हूँ मैं जैसे हर बार आता हूँ लेकिन इस बारी मैंने सोचा मैं पटियाला से होते हुए जाऊँ पहले था प्लान कि मैं सरप्राइज़ दूँ उधर जाके मतलब बिना बताए चले जाऊँ 12 बजे से पहुँच जाऊँगा लेकिन मम्मी ने कहा नहीं नहीं बता के जाना है कई बार रेडी नहीं होते हैं या बच्चे की वजह से लेट उठते हैं कुछ हो जाता है लेट सोते हैं तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि फिर उनको बता के जाना है तो उनको इन्फॉर्म तो कर दिया है 11 बजे तक निकलूँगा जी 11:15 हो रखे हैं 12:30 1 बजे तो पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर वहाँ पे 1.5 घंटा बैठ के देन हम निकलेंगे फिर आगे जीरकपुर के लिए तो बस ये प्लान है मनीष से मिलते हुए जाएंगे बस ऐसे मन कर रहा था वैसे तो हमने 2 दिन बाद आना ही था वापस वहाँ पर पटियाला में लेकिन मैंने सोचा अकेला हूँ उधर से जाता घूम के तो सोचा इधर से निकल जाता हूँ और मिलते हुए भी चले जाऊंगा थोड़ी देर बैठ उठ के चले जाएंगे क्या बात है मम्मी मैं क्या कह रहा हूँ आप फड़ वाला फापे तो मम्मी पा रहे हैं जी हम अच्छा डब्बे मैंने तो ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि असी तो आ ही जाना ठीक है ज्यादा भर के नहीं चाहिए
छेती कर देना मैं 11 बज गए छेती कर दे भी 11 बजे गर्मी बहुत है जी सोनी दा मेरा हाँ बट मैंने ज्यादा नहीं चप्पा होना ना ता कह रहे बहुत मम्मी एक घंटी और पा दो बस हाँ बस हम ज्यादा नहीं लगे लोग तो आ ही जाते हैं तो उधर पे पे ना उल्ली लग जाती है मेरा टक्कर चाहिए मैंने हम बेदी साहब का पैक हो रहा है जी आ लफाफ में मैंने समझ नहीं आ रहा मम्मी ने क्या मंगवाया अच्छा ये जो तेल तुल पाने की लोड़ तो नहीं है सर जो मम्मी गाजर का अचार पाओ यार वो सब्जी वाला गाजर नहीं जरा आप भुन के खा लें वो वाला गाजर नहीं दूजा गाजर का अचार मतलब हो जो बाजार वाला होंगे वधिया लगता गाजर हो चुकंदर होंगी जी से लिया ढक्कन दे दो मैनू पा दो जो पैंता एक अद्धी कड़छी हो बस फिर ज्यादा फ्लो भी ना हो जाए सो जी आ लो जी अपना हो गया ऐसा दे डब्बे पैक आप फड़ के रखो एक मिनट आओ आ लो इधर रख लो मैनू मम्मी घ्यो ना चंगी तरह पा के दो मैनू घ्यो का डर आ ओके लफाफे वगैरह च पा के दो इन है नहीं नहीं वो सीधा वो खड़ा कर दो काले वाले ना समझ गए हाँ साइड भी थी हाँ बोतल वाली जगह ही रखूंगा और कुछ याद करा मम्मी और तो नहीं कुछ भूल रहे चार्जर में पा लिया सारा कुछ हो गया थले के पे मेरा चार्जर के ये नहीं ये मेरा नहीं है सो जी चलते हैं तैयारी करते हैं सामान मैंने यही कर लिया था ज़्यादा तो इस बार लेके आए नहीं था इसको बस बंद कर लूँ और गाड़ी में रखते हैं चंगा दही चीनी क्या बात है मैं वेट ही कर रहा थी मम्मी फिट रख रहा मैं तुम एक चमच ही दो बस थोड़ा जहा ना ज्यादा नहीं मम्मी छेती चलो सो जी निकल चुका हूँ मैं रायपुर से पटियाला के लिए गुरुद्वारा साहब में मत्था भी टेक लिया था बस ऑलमोस्ट मलेरकोटला पहुंचूंगा मैं 15-20 मिनट में ये ना पा फिर पटियाला फोन कर दिया वैसे अपने बेटी से शायद आज मिलना ना हो पाए क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं बट फिर मैंने बोला कि हमने थोड़े दिनों में एक दो मतलब दो तीन दिनों फिर आना ही है दोबारा अदरवाइज वैसे रुकने को करते लेकिन रुकना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक दो काम वहाँ पे हैं जो पेंडिंग है वहाँ भी करते हैं फटाफट जाके और आज हाँ वर्ल्ड कप का पहला मैच भी है इंडिया का वो तो हम कैसे मिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ वो भी मुझे देखना है तो ये भी आज का प्लान है फटाफट वैसे 11:30 हो गए चुके हैं जी हम पटियाला इंटरजस्ट हो चुके हैं नाबा साइड से यहाँ से अनमोल लगी किसी फुटपाथ से 7 मिनट अरे बेदी साहब नाउ इट्स माय टर्न हाउ आर यू वेरी तो 12 बजे जाने वाले थे कितने बजे आओगे बस मैं तो मेरा इतना ही है 2 बजे तक था नहीं नहीं आया था बैठूंगा मैं 3:30 बजे तक और जैसे मैंने हीट तो सो रखी है अभी ये देखो
मुझे पहले ही लग रहा था कि ये मम्मी को बोला था मैंने कि जब नहलाते हैं तो वो सो जाती है, तो ये कहने नहीं नहीं हम उसकी आदत नहीं हैगी, बट मैंने पता ही सीखा। डिपेंड्स, बच्चों की आदत का कुछ पता नहीं है, कभी सो जाती है कभी वो खेलती रहती है। एक्चुअली जब धूप पे लो ना, धूप लगे होता है कि मैं नहला दी मैं रिलैक्स। कितने बजे उठी थी सवेरे? उठी 10 बजे। मैंने तो गहरी नींद चला गई है, सुनी इतनी आवाजें ऊंचा गल्ला कर रहे हैं, पहला तो उठ जांदी सी हुन नहीं उठ रही। हुन वो चैनल चुल्ले च बहुत आराम ना सुनती है, इत्थे पाई हुंदी नहीं उठ जांदी सी, तो उठ जाना सी। हां, पर ओदे विच आराम ना सुती हुई। चलो, सो व्हाट डू यू हैव? What will I have? Nothing I told you. Other samosa, only bus. Coffee? Bus. No. Roti bhi khayega do din. No. Parathe khayega. Pindi pindi bhi bahut. Oh yaar, main pindi to suni bahut dukhi hoya pa. Pehle din main udhar pindi khadi si, dooje din main ghar pahuncha utthe pindi khadi, hun teeje din pher to pindi khadi. Ki kha rahe ho fir? Kuch nahi khana main. Roti ta khayega to tan bhi jayenge itho. Kha ke jayenge roti. Ek adha kulcha kha lenge. Kulcha. Bas. Kabuchi? मैं नहीं पता कि दे किड़े जी प्लीज तेरे नहीं पता तो इत्थे आके ऑर्डर कर दे प्रभु जी ओ गुरु जी ओ जी दे नहीं मंगा लो प्रभु जी के कुलचे छोले मेरी फेमस सुन पटियाला तुम भी ना दोगे फटाफट रेडी हो चुके हो पहले मैं हुई हां फिर मैंने इसको मिलाया मेरे चक्कर तो है ना सारे तैयार नहीं हो जाने एक्चुअली मेरे कपड़े कटे हुए सीगे मैं पाऊंगी पहले मैं लगा दा फिर मैं चेंज करूंगी पर तब तक तू आ गया अपने छोटे हुंदे तो सने क्यों लौंदे रहे है मुंह ते तेल है ना उठो नहीं आए इनु लग रहे खावे है घंटे बाद कैसी चल रही है लाइफ बच्चे के साथ? अब तो आसान लगती होगी क्योंकि पहले तो शुरू के दो महीने तो मुश्किल, तीन महीने जैसे दो दो घंटे बाद जबरदस्ती उठाना है, अब तो थोड़ा सॉर्ट हो जाता है, मतलब तो गैप भी हो गया ना, सॉर्ट भी हो गया। भाई 5 महीने की होने वाली है 10 दिन बाद। मैंने लॉग ही नहीं रहा, सुने कितनी शेदी शेदी दिन निकल गए यार। तो मेरे को पंजाब में 9 महीने हुए हैं। 9 महीने जब जाऊंगी तो 9 हो जाए। बहुत आने लगा तो फटाफट ही निकल गया सारा गोस। तो क्या है ना, मार्च अप्रैल मई जून सारे इकट्ठे रहे, उस टाइम तो पता ही नहीं चलिया, फिर तो तेरा तो तेरा इधर से निकल गया, फिर तारी पता चलिया। अरे और नहीं पता चलूगा जब बड़ी हो जानी है, चलन भी लग जाना है। आहो नहीं नहीं तुसने ऊपर पहले गोदी चक्की इधर चक्की फिर मैं दिखाऊंगा पहले उधर रख दे चलो मामू आ गए बुत्तू झूला छोड़ो हाँ बिना बोले देखिए कि मैं पहले शौक होगी फिर हंसने लगी कौन है मामू पहचानिया हाँ पहचान लिया रो ले बेची रोन नहीं